हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक कृष्णा जी की ड्रेस लाए हैं। ये 0 से 2 नंबर के कृष्णा जी के लिए एकदम फिट होगी। चलिए इसे शुरू करते बनाना। इसके लिए हमने ये दो तरह की, एक्चुअली हमने 3 तरह की ऊन ली है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टिच बनाएंगे, यानी फंदा बनाएंगे, और उसके बाद हम 12 चेन ले लेंगे। तो इस तरह से हम 12 चेन ले लेंगे। 12 चेन लेने के बाद हम फिर से फर्दर 2 चेन और लेंगे, ये इस तरह से। इसके बाद क्रोशी से चौथी चेन में एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये 3 को 2 करेंगे और 2 को 1। इसी तरह से अब हर चेन में डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। तो टोटल हमने 11 डबल क्रोशेट बनाएंगे और एक ये चेन वाला रहेगा। एक बार यार्न ओवर करना है, फंदे इस तरह से लेना है, 3 को 2 करना है और 2 को 1। तो डबल क्रोशेट इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। टोटल 12 डबल क्रोशेट हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि हमने चेन वाले को भी एक काउंट करेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे डबल क्रोशेट एंड तक बना लेने हैं। तो ये हमने 12 डबल क्रोशेट बना लिए। फिर से हम 3 चेन लेंगे, पलटेंगे और सेम स्टिच में एक बार फिर से डबल क्रोशेट करेंगे। तो हमारे एक स्टिच में 2 स्टिच बन गई है। इसी तरह नेक्स्ट स्टिच में भी 2 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हर स्टिच में 2-2 बार डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। तो इस रो के बाद हमारे पास 24 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो 24 डबल क्रोशेट इस रो में कंप्लीट करना है हमें, धार में 2-2 करके। तो ये हो गया, ये चोली पोर्शन बना रहे हैं हम। इसके बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे नेक्स्ट रो के लिए, पलटेंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 1 डबल क्रोशेट नेक्स्ट स्टिच में, फिर से इस तरह से 3 डबल क्रोशेट हो गए और 1 चेन वाला। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट 4 स्टिच में हो गए। फिर 4 स्टिच स्किप करके 5वीं स्टिच में डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी हमने यहाँ पे 4 स्टिच छोड़ दिए हैं और पीछे की तरफ अब हम यहाँ 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो 8 डबल क्रोशेट, हर स्टिच में 1-1 डबल क्रोशेट, फिर से 4 स्टिच स्किप करेंगे और 5वीं स्टिच में फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। अगले स्टिच में डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशेट एक साथ बना लेंगे। चेन में भी याद रखिएगा बनाना है। तो इस तरह से हमारे पास शुरू में मैंने 4 डबल क्रोशेट बनाया, 4 स्टिच छोड़ी, फिर 8 डबल क्रोशेट बनाया, 4 स्टिच छोटी और फिर से 4 डबल क्रोशेट बना लिए। तो ये हमारी चोली पोर्शन रेडी हो गई। अब चोली पोर्शन का ये जो एंड है, यहाँ पर जो चेन हमारी है उसके साथ स्लिप नॉट कर लेंगे। तो ये स्लिप नॉट कर दी, चोली ऊपर से बंद हो गई है। अब हम इसको धागे को कट कर देंगे स्लिप नॉट लेते हुए। तो धागा हमने कट कर देना है, छोटा सा धागा रखेंगे हम, ये इसी में ही वीव हो जाएगा। इसी तरह से कर लीजिए, चाहे तो ये जब हम इसके ऊपर दूसरा कलर लगाएंगे तब भी ये इनविजिबल हो जाएगा। आप चाहे तो ये पूरी ड्रेस एक ही कलर में बना सकते हैं। हमने यहाँ 3 कलर्स यूज़ किए हैं और ऊपर का ये जो धागा है इसे ऊपर की तरफ, जैसे हम हर बार ड्रेस बनाते टाइम वीप कर देते हैं, वो यहाँ पे वीप कर देना है। तो इस तरह से ये इसी में ही फंसा देना है, क्योंकि एकदम पास से कट करेंगे तो ये निकल के हमारी ड्रेस को ख़राब कर सकता है कि धागा निकल जाएगा और पूरा वहीं से खुलने लगेगी। तो इसीलिए हम धागा इस तरह से फंसा देते हैं कि निकले ना। तो इसी तरह से हमें फंसाना है। थोड़ा दूर तक फंसा लेने के बाद हम कट कर देंगे, ये हो गया, आप कट कर देंगे इसे। अब दूसरा कलर हम लेंगे स्काई ब्लू कलर, और स्काई ब्लू कलर लेके हम सबसे पहले यहाँ पे बीचों बीच में जोड़ेंगे। तो एक फंदा हमने इस तरह से बना लिया है, इसे इस पोजीशन पे जाके एक स्लिप नॉट से जोड़ दिया, एक चेन बना ली, 2 3 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशेट बना ली, ये। तो उसके बाद फिर से यार्न ओवर किया, जो होल बन रहा है उसमें 5 बार हम यार्न ओवर और फिर से एक फंदा ग्रैब करेंगे। 5 टाइम ऐसे ही हमें करना है और फिर 5 टाइम को ये 5 बार ऐसे गट्ठा बन जाएगा, इसको एक साथ हम निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा
अनकंफर्टेबल हो जाता है, 5 बार इकट्ठा करके निकाल के और फिर एक बार बिन लेना है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशर बना देना है, तो ये इस तरह से आएगा। और फिर से 3 चेन बनानी है, 3 चेन बन गई, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशर बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये इसी तरह से हमें करते हुए जाना है, टोटल 8 बार हमें ये स्ट्रेस करना है, एक टाइम हमें ऐसे ही करना है। ये देखिए हमने सिंगल सॉरी डबल क्रोशर बना लिया। फिर यार्न ओवर, एक बार फंदा लेना है, यार्न ओवर अंदर से फंदा, यार्न ओवर अंदर से, इस तरह से 5 बार करेंगे होल पे से, और फिर पांचों को इकट्ठे यूं उतार देंगे और एक बार फिर से यूं बिन लेंगे। तो ये हमारी मोती जैसा बन गया। नेक्स्ट स्टिच में जाके सिंगल क्रोशे बना लेंगे, फिर से हम 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर से वही 5 का ये क्लस्टर तैयार करेंगे। और पूरी सर्किल में जब बनाएंगे तो हमारे पास 8 इस तरह के क्लस्टर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, अब देखिए इस कलर के एंड में जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट किया था वहाँ पे स्लिप नॉट ले लेंगे, तो ये कलर भी हमारा यहाँ पे एंड होएगा। एक बार फिर से स्लिप नॉट ले लेते हैं और धागे को हम कट कर देते हैं और पीछे की तरफ ही वीव कर लेंगे। ये हो गया, पूरा मोती जैसी झालर बन गई है। अब इसको अंदर की तरफ को ले लेना है, यहाँ जहाँ पे भी ये धागा फंस पाए हम इसे फंसा देंगे। अब दूसरा हम पिंक कलर यूज करेंगे इसके बाद। इस तरह से ये रेडी हो गया, तो पिंक कलर ले लिया हमने। इसका भी एक हम पहले फंदा बना लेंगे और उसके बाद पीछे बैक की तरफ जाएंगे। ये जो ये स्टिचेस दिख रहे हैं आपको, इस स्टिच में हमें जोड़ना है, तो जहां पर एंड हो एक मोती वाले का उसके पीछे यूं करके एक स्लिप नॉट लेके जोड़ना है। हर बार स्लिप नॉट लेते हैं, फिर 4 चेन ले लेंगे और फिर जो अगली एंड है हमारे मोती की उसमें जाके एक इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशे बना लेंगे, फिर 4 चेन लेंगे, फिर अगली मोती के एंड पे जाके सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से ये जो पीछे हमारे बन रही है स्ट्रक्चर, ये हम भी 8 बनेगी। फिर से हम चेन बना लेंगे 4, और फिर से हम अगली स्टिच में जाके एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, फिर 4 चेन, अगली स्टिच में जाके सिंगल क्रोशेट, पूरे में सर्कल में ऐसे ही हमें करना है। एंड तक हमने इसी तरह बना लिया। एंड में 3 सॉरी 4 चेन लेके जो पहले स्लिप नॉट ली थी उसमें जाकर हम ऐसे स्लिप नॉट कर लिया। ये हो गया, अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बना के जो फर्स्ट चेन है इसमें हम एक फंदा बना लेंगे, तो 2 फंदे हो गए, और फिर ये जो सर्कल है इसमें से एक फंदा, 3 फंदे हो गए। सबसे पहले 2 फंदों को बिनेंगे, फिर 2 फंदों को बिनेंगे, फिर हम यहाँ पर जो नेक्स्ट, ये देखिए एक लाइन दिखती है इसको उठा लेंगे, फिर एक लाइन दिखती है उसको उठा लेंगे, 3 फंदे हो गए, फिर रिंग में से एक फंदा ले लेंगे, फिर 2 फंदे बिनेंगे, फिर 2 बिनेंगे। इस तरह से हर लाइन में एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। ये हो गया, अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के, यहाँ वी जैसा स्ट्रक्चर है इसको यूं लेके और ये स्लिप नॉट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से अगली जो सीधी लाइन दिखती है इसमें जाके एक फंदा उठाएंगे, फिर एक फंदा उठाएंगे, एक फंदा और उठाएंगे, तो टोटल हमारे पास एक रिंग का भी हो जाएगा। तो अब 5 हो गए हैं, फिर से 2 2 करके ग्रुप में उतारते जाएंगे इसे। फिर से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ वी स्ट्रक्चर में जाके एक
स्लिप नॉट ले लेंगे। फिर से यहाँ जो सीधी सीधी लाइनें दिखती हैं उनको एक एक करके फंदा उसमें से उठाते जाएंगे। हर ये जो कंगूरा बनने के बाद यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाता है। तो देखिए ये हमारे हुए, फिर एक हमने एक्स्ट्रा यहाँ से ले लिया तो बढ़ गया। फिर ये इस तरह से दो दो फंदे हम उतारेंगे। टोटल इस तरह से आठ पत्तियाँ बनेंगी, ये देखिए। फिर एक दो तीन चेन बनाएंगे। यहाँ वी स्ट्रक्चर जो है इसमें से हम ले लेंगे स्लिप नॉट। फिर सीधी सीधी जो लाइनें हैं, एक दो तीन, दिखती हैं आराम से, चार पांच, और एक रिंग का और एक जो शुरू का था। फिर दो दो हम उतारते जाएंगे, सात फंदे टोटल है हमारे पास। इस तरह से करके दो दो का ग्रुप करते जाएंगे हम। ये हो गया। फिर से एक दो तीन चेन बनाएंगे, यहाँ पे वी स्ट्रक्चर में जाके स्लिप नॉट करेंगे। फिर इन लाइंस में इस तरह से एक एक उठाते जाएंगे। जो ये लास्ट में हम तीन चेन के बाद एक स्लिप नॉट कर रहे हैं, पांच टाइम हम इसी तरह से करेंगे और हर बार एक फंदा एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए, फिर हम दो दो उतार देंगे तो हमारी एक ये पेटल यानी एक पंखुड़ी रेडी हो जाएगी। ये देखिए, तो हमने चार बार ये कंगूरे बना लिए हैं। एक बार और कंगूरा बनाएंगे, एक दो तीन, फिर यहाँ पे स्लिप नॉट ले लेंगे। एक कलर में बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। हमने यहाँ तीन कलर में बनाया है तो वो भी अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो सिंपल क्रीम कलर में सिर्फ ये बनाए तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जैसा बनेगा, और उसके बाद उसमें कुंदन उंदन लगा लें। ये देखिए एंड तक आ गए हमने। फिर हमें इस तरह से दो दो उतारते हुए जाना है। अब यहाँ पे हमें पत्ती के एंड करनी है, एक दो तीन चेन करके, फिर ये ऐसे स्लिप नॉट। एंड कैसे करनी थी देखिएगा, जो सीधी सीधी लाइनें हमें दिख रही हैं, ये देखिए अब तो साफ साफ दिख रही हैं, इसमें जाके एक एक स्लिप नॉट लेते जाएंगे। हर लाइन में एक स्लिप नॉट ले लेंगे। तो ये स्लिप नॉट ऐसे हमें लेते हुए जाना है पूरा एंड तक। और फिर से जो हमारा रिंग जैसा हमने चार चेन का सबसे शुरू में बनाया था, उसमें भी एक हमें सिंगल क्रोशे लेना है। तो ये हर लाइन में हमने इस तरह से ले लिया। अब यहाँ रिंग में एक सिंगल क्रोशे लेंगे, ये इस तरह से एक पंखुड़ी हमारी ये रेडी हो गई है। अब हर पंखुड़ी ऐसे ही बनाना है। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे तो जोड़ दिया। अब फिर से हम दो चेन लेंगे, एक दो, सेकंड चेन में हमें फंदा ले लेंगे, अगले रिंग में से एक फंदा ले लेंगे, तीन हो गए, तीन को दो दो करके उतारेंगे। फिर से जो लाइन है उसको उठाएंगे और एक रिंग से ले लेंगे तो चार फंदे हो गए। फिर दो दो करके उतारेंगे और इसके बाद फिर एक दो तीन चेन बना के यहाँ पे वी स्ट्रक्चर में जोड़ देंगे। फिर से वैसे ही बिनेंगे। ये याद रखिएगा, हर लाइन में एक एक फंदा बढ़ेगा। अब फिर से दो दो करके उतार रहे हैं और ऐसे ही हम ये पूरी सारी पंखुड़ियाँ पीछे से बना के यहाँ तक बना लेंगे और फिर कैसे जोड़ के ख़त्म करेंगे वो दिखाएंगे। तो हमने सारी पंखुड़ियाँ बना ली, कितना खूबसूरत बन के आया है। लास्ट में हमने स्लिप नॉट भी ले लिए यहाँ। अब जहाँ पहली थी स्टिच हमारी, उसमें जाके हम फिर से एक स्लिप नॉट ले लेंगे। ये हो गई। फिर इस तरह से हमने एक बार स्लिप नॉट और लेके इस धागे को कट करेंगे। तो ये देखिए पंखुड़ियाँ कितनी खूबसूरत सी आती हैं। तो ये कट कर दिया। अब हम यही यार्न को वीप कर देंगे इस तरह से, दिखिएगा नहीं तो खूबसूरत और हो जाएगा। लटकते धागे किसी को भी नहीं पसंद आते, तो इसको हमने इस तरह से फंसा दिए।
सारी पंखुड़ियाँ रेडी हो गई हैं, इसको अच्छे से अरेंज कर देंगे तो ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू।